खड़ा गांव स्थित बचपन स्कूल में जूडो कराटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। खड़ा गांव स्थित बचपन स्कूल में जूडो कराटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि इसको सीख कर बच्चे अपनी आत्मा की रक्षा कर सके और समाज में फैली बुराइयों से लड़ सके। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के संदीप यादव रहे। कूड़ो राजस्थान के अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनके नेतृत्व में एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। वही कार्यक्रम में मॉडर्न एकेडमी प्रथम, अविराज सेकंड और बचन ए प्ले स्कूल थर्ड रहा। वहीं इस प्रतियोगिता में स्कूल प्रबंधन के साथ साथ बच्चों के माता पिता भी उपस्थित रहे। सबसे पहले 24 टीवी नेटवर्क और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मनोज कुमार और राजेंद्र जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रोग्राम को फुल डे की कवरेज देने के लिए। किड्स एंड एडल्ट्स बोथ लाइक एंड एंजॉय स्पोर्ट्स, बट वी डोंट गेट एनफ अपॉर्चुनिटीज to practice or enjoy it due to reasons like lack of time and space. TV, mobile and social media has also taken the place of sports in our life. As a school, it's our responsibility and duty to promote games and sports in life. We want to make our students and their parents to be aware about its importance in our society. Sports gives us a healthy body and a healthy mind. In Bachpan, a place called Khada Bhiwadi, we wish our young students to learn, enjoy and appreciate all kind of sports. Last but not least, to inculcate this hobby as a habit from this tender age only for their whole life. Myself, Renshi Rajkumar Menaria, Director for Kudo International Federation of India, North India. And president for Kudo Rajasthan. Representing Kudo, jaisa hum log kar rahe, Kudo introduced in India by Akshay Kumar, Shiyan Akshay Kumar. President is respected Soshiyan Mehul Vora. Pura desh ke andar hum log ek martial arts ka revolution lana chahte hain. Aur wo revolution hamare desh ke yuvaon ko सॉलिड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ताकि देश को वो जो पुराना रुतबा है वो वापस दिला सके। और दूसरा सेक्शन हमारा है जो महिलाओं के आत्मरक्षा पे काम कर रहा है, कि हर लड़की हमारे देश की वो इतना स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके अंदर से डर निकल जाना चाहिए, वो फाइटर इनसाइड होनी चाहिए। तो कहीं पर भी इस तरह की कोई भी गतिविधि उसकी तरफ हो तो कम से कम ना डरे, सबसे पहले जो डर गया वो मार गया। इसलिए हम उन महिलाओं और लड़कियों में से डर को निकाल देना चाहते हैं। पूरो मार्शल आर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ये लेटेस्ट सेंचुरी की आर्ट है, जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो चली आ रही है उन सबका निचोड़ है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग फाइट के अंदर, चाहे किसी भी तरह की खड़े में फाइट हो, चाहे किसी की गुत्थम गुत्था फाइट हो, जमीन पर हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, कूडो एक बेस्ट वे है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। और इसको इंट्रोड्यूस कर हम लोग चाहते हैं कि भारत देश का हर घर में एक मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, ताकि उस घर के अंदर एक रुतबा है, हौसला है और कोई भी लड़की अपने आप को बेसहारा ना समझे। अदर साइड, कूडो स्कूल नेशनल गेम्स का पार्ट है, इसका डिसिप्लिन है। तो जो बच्चे एज अ स्पोर्ट्स भी कूड़ो को लेना चाहते हैं वो नेशनल स्कूल गेम्स तक खेलने जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलने जा सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदर साइड, हमारा गेम इंटरनेशनल जो है ICWA से वो एफिलेटेड है, तो इंटरनेशनल लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स जा सकते हैं। रिसेंटली इंडिया टीम में हमारे राजस्थान के 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो राजनंदिनी मेनारिया, प्रियोल मेनारिया एंड रितिका शर्मा द गर्ल्स, जो इंडिया टीम में राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विपाश मनारिया और रणवीर सिंह सेकेंड, एंड वन इज सिंह भी, ही इज रिप्रेजेंटिंग द राजस्थान इन इंडिया टीम। तो नवंबर में होने वाला है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, तो राजस्थान 6 स्टूडेंट्स के साथ इंडिया टीम में टॉप पर। तो ये हमारा परफॉर्मेंसेस हैं, और हम लोगों ने नेशनल स्कूल गेम्स में रिकॉर्ड बनाया लास्ट ईयर, 25 मेडल्स हमने राजस्थान की जोली में डाले,
जो आज तक किसी दूसरे गेम में नहीं डाले जा सके। इन दैट सेंस हम लोग राजस्थान में जो हमारी खाती है, ये मार्शल आर्ट्स कहते हैं इंडिया की खाती है, यहीं से पैदा हुआ, यहीं से आगे बढ़ा, विदेशों तक गया, हम इसको वापस यहाँ पर उतना गहराई से डाल देना चाहते हैं जिससे हम लोग उस गौरव को वापस प्राप्त कर सकें। और हमारे जो प्रिंसिपल हैं बच्चों को डिसिप्लिन बनाते हैं, जैसे मजबूत होना, विनम्र व्यवहार करना, रेस्पेक्ट करना, ऑलवेज रेस्पेक्ट करना। पेरेंट्स और गुरु मिलकर बच्चे का निर्माण करते हैं तो वो गॉड तक जा सकते हैं। काइंड ऑफ द प्रिंसिपल्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं और हम डर किसी भी तरीके का, चाहे वो फाइटिंग का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे जीवन जीने का हो, चाहे अनजानी चीज़ों का, हम निकाल देना चाहते हैं। क्योंकि डर ही सिर्फ जो है इंसान की जो अनलिमिटेड कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, तो हम वो डर निकाल देने के लिए वर्क करना चाहते हैं। इसलिए हमारा पेरेंट्स और सबको ये रिक्वेस्ट रहती है कि बेसिकली 5 से 10 साल उसके बचपन से लेकर मार्शल आर्ट्स में होने चाहिए, ताकि वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और स्ट्रेचेबिलिटी सब पावर की वजह से वो डेवलप हो जाए। फिर वो किसी भी गेम के अंदर जो चूज़ करता है और अगर वो खेलता है तो उसमें वो बेस्ट परफॉर्मर बनेगा। लेकिन उसका बेसिक मजबूत नहीं है, मार्शल आर्ट उसका बेसिक्स को मजबूत करेगा। और मार्शल आर्टिस्ट अगर बच्चा वहाँ से निकला है तो वो वेल डिसिप्लिन होगा, क्योंकि वी यूज टू से दैट राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट गाइडेंस अंडर द राइट प्रिंसिपल फॉर द राइट टारगेट। सही चीज़ के लिए सही तरीके से सही मार्गदर्शन में काम करना कूडो है। और इसलिए हमारा जो मिशन है ये हमारी भारत की पूरी दुनिया को बदल देने वाला है। भारतीय जो हमारे छात्र छात्रा हैं जो कूडो को कराटे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिटनेस मार्शल आर्ट्स का करियर बहुत बहुत वास्ट है, और अभी ये सेंचुरी जो है वो फिटनेस का जो बिजनेस है, या अपन उसको अगर एज करियर लेना चाहते हैं तो ये $1 trillion इंडस्ट्री है। इसके अंदर अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है लोगों को स्वास्थ्य का, और जब स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आने वाला है तो दो इंडस्ट्री डेवलप होगी, या तो होगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल डॉक्टर्स, ये दवाइयाँ और ये, और या फिर हेल्थ इंडस्ट्री डेवलप होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग काम करें, लोगों को रोज़गार मिले, सब कुछ हो, लेकिन लोगों को हेल्थ मिले, तो हेल्थ इंडस्ट्री इज़ बेटर। तो इन दैट सेंस फिटनेस, हेल्थ, सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स, ये सारा जो है अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और ख़ासतौर से गर्ल्स के लिए तो पूरा एरिया खाली है, जहाँ भी हम जाते हैं गर्ल्स इंस्ट्रक्टर की डिमांड होती है। और गर्ल्स क्या होती है, गर्ल्स क्या होती है, 12, 10, 11, 12 पढ़कर शादी या छोड़ कर करियर इधर चली जाती है, तो वो जगह खाली। अगर कोई भी लड़कियाँ अपना करियर बनाना चाहती है इसमें, तो दिस इज सुपर चांस फॉर दोज गर्ल्स। सो आई वेलकम कि वो लोग आएँ और आगे बढ़कर करियर को के रूप में भी इसको चुने। और नेचुरली यूनिवर्सिटी अभी नेशनल गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में आने वाला है, तो स्पोर्ट्स करियर में भी कूडो अपने टॉप पर जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज जो डिग्निटीज काम कर रही हैं पीछे, अक्षय कुमार सर, मेहुल सर और एवरीबॉडी। सो वी आर अमेजिंग, वी आर कमिटेड फॉर दिस, विदाउट पॉलिटिक्स, ओनली फॉर द डेडिकेटेड फॉर द स्पोर्ट्स। सो हम लोगों ने हमारा जो भी करियर है वो सब चीज़ें हमने डेडिकेट किया सोसाइटी को, इसीलिए क्योंकि प्रेसिडेंट अवार्ड, यू नो आई एम प्रेसिडेंट अवार्ड, ये तो जब मिला था तब हमने सोचा था कि ठीक है ये तो हमारे लिए अवार्ड है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये समय आया है जब बांटने का, तो हम जितना कुछ है वो बांट देना चाहते हैं। सो वी आर रेडी ऑलवेज टू सर्व द सोसाइटी, बस वेलकम है सबका, हमें जहाँ बेटर जगह पर उपयोग कर सकें।